कल ये सिमगूर करके जौनसार से जौनसार में बहुत ऊपर सिमगूर एक गांव है, वहां पर दलितों को लेकर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। मंदिर में प्रवेश करते ही उन लोगों ने इनको, वो चाह रहे थे कि जैसे बहुत ज्यादा भीड़ थी कि जैसे ही पालकी में जैसे हाथ लगाएंगे तो वो उसके उसमें अटैक करेंगे, तो उसी से उन लोगों ने अटैक कर दिया। फिर ये लोग भागे और भागकर इन्होंने कहीं डंपर वगैरह में छुपे, उन लोगों ने पत्थरों से बहुत पथराव किया, तो इनके सिर में बहुत चोटें आई हैं, शरीर में बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, स्टिचेस लगे हैं, ब्लड क्लॉट है शरीर अभी सिर पर, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आईसीयू में एडमिट है। विरोध क्यों किया गया इनका वहां पर? पता नहीं, वो जो दलितों को नहीं प्रवेश था उस मंदिर पे, तो ये दलितों को लेकर मंदिर में प्रवेश करे थे, और बहुत सालों से आज तक ये प्रथा चली आई थी कि दलित वहां प्रवेश नहीं करेंगे। किस तरह की कंडीशन अभी उनकी फिलहाल है? अभी आईसीयू में एडमिट है। आपने किसी बताया कि पुलिस का क्या था, बताया था पुलिस को कि? हाँ, कल डीजी को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ऐसे ऐसे जगह जा रहा हूँ, अब वहाँ पर वो ये कह रहे कि कुछ मतलब जो थी वो भी भाग गए उस समय, तो कुछ ऐसे मतलब उसने कुछ पोश नहीं किया, शूट नहीं किया, मतलब अगर कुछ कार्रवाई होती तो शायद वो गांव वाले डर जाते, तो अब ये तो खुद ही भाग रहे थे क्योंकि पूरा का पूरा गांव पत्थरों से मार रहा था, बड़े बड़े पत्थरों से, तो वो अपने आप को बचाना ही मुश्किल हो रहा था, तो ये किसी तरह थोड़ी थी, अब ऐसे ही होगा क्योंकि अगर होती तो फिर ये सब क्यों होता। वहां से जब चोट लगी उनको, हमला हुआ, किस तरह से आए यहां पर? फिर वो करीब 20 किलोमीटर मतलब चक्रौता से 20 किलोमीटर ऊपर था, तो जबकि मेरे 108 नंबर जब एम्बुलेंस में ला रहे थे तो मेरी उससे बात हुई, तो उसने बोला कि बहुत ही इंटीरियर में थे लोग, तो पहले तो पैदल चले पैदल, और खून इतना बह गया था कि बहुत ही, ये कह रहे थे कि मैं किसी तरह से अपने आप को अनकॉन्शियस होते होते बचा रहा था।